ही बनेंगे दोबारा सिंगर। हाय तुलसी, एक तो ये गाना इतना मुश्किल गाना है और मेरे बहुत दिल के करीब है ये गाना। अजय तुल जी की ये कंपोजिशन, वाह वाह वाह, क्या कहने। और तुलसी, मैं आपके लिए ये बोलना चाहूँगा, आपने इस गाने को इतना बखूबी निभाया है, इतना प्यार से गाया है, इतना फील दे के इस गाने को आपने गाया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं आपको सुनते ही जाऊँ। और ये गाना आज तक मैंने जिनसे भी सुना है, वो सब जैसे मेल बॉयज ही ये गाना ज़्यादा गाते थे, आज पहली बार मैं लड़की के मुंह से ये गाना सुन रहा हूँ। और इतना ऊंचा आप गा रहे थे, इतना खुल के गा रहे थे और इतना साफ सुथरा गा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे द वायरल सिंगर के टॉप 20 में, और बहुत बहुत बधाई आपको तुलसी, और मैं चाहता हूँ कि आप इस शो में बहुत आगे तक बने रहेंगे। ऑल द बेस्ट। तुलसी त्रिपाठी ने तो अपने सिंगिंग के हुनर से हमारे टॉप 20 में जगह बना ली है। जिंदगी में एक इंसान अगर फोकस करे ना, तो मंजिल पाने में आसानी होती है। और हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है, वो फोकस को ही अपना सक्सेस मंत्रा मानती हैं। 7 साल की उम्र से सुरों का सफर तय करने वाली हमारी अगली कंटेस्टेंट वडोदरा गुजरात से हैं, और इन्होंने सिंगिंग को ही अपना पैशन बना लिया है। बड़ोड़ा गुजरात से आज आपके साथ कुछ लाइन शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मुझे हार्ड वर्क करने की बहुत ही प्रेरणा मिलती है। ना इधर देखो ना उधर देखो, बस आज से ही शुरू कर दो चलना तुम। चलते चलते गिरना और गिर कर संभलना तुम, सिर्फ भविष्य में कामयाबी का मंजर देखना तुम। मैं 7 साल की थी तब से म्यूजिक सीख रही हूँ। म्यूजिक मेरा पैशन है और मुझे आगे चल के प्लेबैक सिंगर बनना है। आज मैं आप सबको लता जी का एक खूबसूरत सा गाना सुनाना चाहती हूँ, एंड आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। रहना बीती जाए शाम ना आए, रहना बीती जाए शाम ना हाय हिमानी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप बहुत क्यूट लग रही थी गाते हुए। और जहाँ तक रही बात गाने की, तो आपने बहुत ही टफ गाना चूज़ किया है और अपनी उम्र के हिसाब से आपने उसको अच्छे से निभाया भी है, लेकिन बहुत ही मुश्किल गाना है, तो वो सारी चीज़ें, हरकतें, वो सब आप अच्छे से नहीं लगा पाई। और मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार इस शो में ट्राई करें और ऐसे ही रियाज करते रहें, ऐसे ही प्यारे से बन के गाते रहें। आई एम सॉरी हिमानी। बट हिमानी मेहता हमारे जजेस को इम्प्रेस नहीं कर पाई और टॉप 20 में अपनी जगह
नहीं बना पाई। बिहार एक ऐसी जगह है जिसने हमारे देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्ला खान, चाणक्य, आर्यभट्ट और श्री गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महानायक दिए हैं। हमारी अगली कंटेस्टेंट अदिति राज का भी यही सपना है कि अपने गानों से बिहार की खूबसूरती लोगों तक पहुंचाए और लोगों के दिलों में छा जाए। मिलते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट अदिति से। नमस्कार, मेरा नाम अदिति राज है और मैं कटिहार बिहार से हूँ। एक ऐसा बिहार जहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल में बतौर एंकर का काम कर चुकी हूँ। एक ऐसा बिहार जहाँ चाणक्य से लेकर आर्यभट्ट तक, गुरु गोविंद सिंह साहब से लेकर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा महान शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान साहब तक का जन्म हुआ, जहां का लिट्टी चोखा पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध है और जहां लोगों के रंग रूप को ना देखकर उसके गुण एवं उसके संस्कारों से उसका सम्मान किया जाता है। द वायरल सिंगर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपने बिहार की खूबसूरती अपने गाने के जरिए आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। दिल्ली बम्बई घूम के आइलो, घूम आइलो संसार गे, सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार गे। हाय अदिति, माहौल तो यार इसमें कोई शक नहीं है, माहौल आपने कमाल बना दिया, मूड बना दिया, सुंदर हमर बिहार गे, वाह। अब जहाँ तक गाने की बात की जाए तो कंपटीशन बहुत ही टफ है, बहुत ही तगड़े तगड़े कंटेस्टेंट इस शो में आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार इस शो में आएँ और फिर से दोबारा इसमें ट्राई करें और अच्छे गानों की सिलेक्शन, सॉन्ग सिलेक्शन अच्छे गानों के लेके आएँ और अगली बार भी ऐसे ही माहौल बना दीजिएगा लेकिन अच्छे गानों के साथ। आई एम विदिशा चैटर्जी, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। फर्स्टली आई वांट टू थैंक द वायरल सिंगर फॉर गिविंग मी द चांस टू शोकेस माय टैलेंट इन देयर पेज। उन सब का बिहेवियर बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, उनका जो बात करने का तरीका है, जो भी बिहेवियर है, दे आर वेरी गुड एंड सो हियर इज माय ऑडिशन वीडियो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। हाय विदिशा, सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे जब आप गा रहे थे, और उसके बाद जहाँ तक गाने की बात की जाए तो ये गाना मेरा फेवरेट है और बहुत ही टेढ़ा गाना है, और जहाँ तक देखा जाए तो आपने गाना अच्छा निभाया, अच्छी कोशिश करी, लेकिन गाने में बहुत सी मुर्कियाँ और बहुत फील के साथ ये गाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी और तैयारी विदिशा करनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार इस शो में आएँ और अच्छे से तैयार होकर आएँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप अगली बार जब आएंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे।